दस दिन तक जंगल में बिना कपड़ों के थी ये महिला। 30 लोग लगातार करते रहे रेप। कुछ ऐसी है बेडिट शुकुतला की दर्दनाक कहानी। नमस्कार, बेडिट शुकुतला का पहला लुक जारी हो गया है। ये फिल्म बिहार के मशहूर डकैत शुकुतला की कहानी पर आधारित है। फिल्म के लुक को 40वें अमेरिकन फिल्म मार्केट में लॉन्च किया गया है। बेडिट शुकुतला का निर्देशन हैदर जकाजमी ने किया है। फिल्म को लियाकत गोला और इराना रुतकू ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। खास बात ये है कि फिल्म में शुकुतला का किरदार खुद डकैत शुकुतला ही निभाएगी। एक्टर अभिमन्यु सिंह एक प्रतिपक्षी का रोल प्ले करेंगे। मूवी में ओकर दास, मानिकपुरी, ललित तेज झा, रतन लाल, मुजामिल कुरैशी और हैदर काजमी लीड किरदार में नजर आएंगे। शुकुतला बिहार की डकैत थी जिन्होंने गाँव की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका जन्म बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ था। गरीबी और लाचारी के कारण उन पर बहुत अत्याचार किए गए, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना ढाल बनाए। पढ़ाई में रुचि लगाने के बाद एक दिन उन्हें एक अमीर आदमी ने किडनैप कर उनका रेप कर दिया। उस दौरान वे महज 12 साल की थी। इस दर्दनाक घटना के बाद उन्होंने उस आदमी के खिलाफ कोर्ट केस भी किया, लेकिन वह हार गई। गरीबी के चलते शकुंतला के ताऊ ने जबरदस्ती उनकी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी। यहाँ से वे भाग गई। बाद में उसी ताऊ ने जमीन हड़पने के चलते उनके पिता को मार दिया। कुछ वक्त बाद उस अमीर आदमी ने एक बार फिर 30 लोगों के साथ मिलकर शकुंतला का रेप किया और 10 दिन तक जंगल में उनका रेप करते रहे। इसके बाद एक डकैत ने उनकी जान बचाई, शकुंतला को भी डकैत बना दिया। आज वह एक सोशल वर्कर है और लोगों की सेवा कर अपना वह जीवन व्यतीत कर रही है।